हाय, दिस इज संगमित्रा। आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल जैक फ्रूट स्टार फ्राई या फिर चक्का तोरण। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। मैंने रॉ जैक फ्रूट लिया है, उसको छोटा छोटा पीसेस में मैंने कट किया। अब उसको मैं कुकर में ले रही हूँ और उसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा नमक। फिर उसमें एक कप के करीब पानी ऐड करेंगे और उसको बॉईल होने के लिए देंगे। वन व्हिसल तक हम लोग रखेंगे, फिर उसको ड्रेन कर लेंगे पानी को। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए चॉप्ड अनियंस, थोड़ा सा करी पत्ता, हाफ चम्मच जीरा और थोड़ा सा नारियल। इसको मैंने ग्रेट करके रखा है। वन कप के करीब नारियल चाहिए। साथ में हमें 7-8 पीसेस लहसुन भी चाहिए। सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में एक साथ पेस्ट करेंगे। मैं गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने लहसुन नहीं लिया, बट आप लोग लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अच्छा से ग्राइंड हो चुका है। इधर जैक फ्रूट बॉयल हो चुका है, उसका पानी को मैंने ड्रेन कर दिया। और ये देखिए स्टोन है, शायद सबके घर में होता है ये स्टोन जिससे मसाला पीसा जाता है। इससे हम जैक फ्रूट को ऐसे करके हल्का हाथों से ऐसे तोड़ेंगे। ये आसानी से पीस जाता है, देखिए ऐसा हो जाता है पीसने के बाद। अब एक कढ़ाई को गरम करके इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हल्का गरम होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों। सरसों फूटना स्टार्ट हो रहा है, जैसे फूटेगा उसमें दे देंगे करीब। अब देंगे रेड चिली, अब इसमें दे देंगे जो पिसा हुआ मसाला है उसको। अब इसको मीडियम फ्लेम में अच्छा से भुनेंगे। इसको ध्यान रखना है, ज़्यादा लाल नहीं बनाना है, ये जल भी ना जाए इसका भी ख्याल रखना है। इसे भुनना है थोड़ी देर ताकि पक जाए अच्छे से। अगर फ्राई करते वक्त ज़्यादा ड्राई लगता है तो हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं या फिर हल्का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा ड्राइनेस इसका कम होगा। फिर उसका अच्छा से भूनने लगेंगे। थोड़ी देर फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम जैक फ्रूट ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा सौते करेंगे। सॉल्ट ऐड कर देते हैं अभी। अब फ्लेम को एकदम धीमे करके इसको भूनते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। अब इसको कवर कर देते हैं लीड से। कवर हटा लिया है मैंने। अभी इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। मुझे गार्लिक पाउडर यूज़ करना था इसलिए मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया, जो रॉ गार्लिक है उसका। बट आप लोग जब मसाला पीसिएगा कोकोनट के साथ तो लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा।
देखिए अच्छा से पक चुका है, मैंने भून लिया है इसको अच्छा से, बट वो जला नहीं, लगा नहीं, क्योंकि धीमे आंच में मैं उसको कुक कर रही थी। अभी रेडी है, इसको निकाल लेते हैं, अभी सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा केरला स्टाइल चक्का तोरण। रेसिपी कैसा लगा हम लोगों को ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा रेसिपीज़ पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।